तभी तो हम रोड पे सेफ होंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा पैदल चलने के रूल, और जो उसके बाद जो हमारे जो है ट्रैफिक मार्शल है मैडम उमा महाजन जी, वो आपको बहुत बहुत अच्छी बातें बताएंगे उसके बारे में। तो अब मैं आपको बताना, ज्यादा समय नहीं हम आपका लेंगे। ये बच्चों बहुत ठीक है, यहाँ से निकल के थोड़ा पीछे। कई लोग बहुत पढ़ाइयाँ करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, और फिर वो रोड पे एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं। कुछ साल पहले की बात है, तीन लड़के, एक आईपीएस का लड़का था गुरनौली का, और एक डॉक्टर का लड़का था, एक बिजनेसमैन का लड़का था, तीनों की सर्विस लगी। ये कुछ साल पहले की बात है। वो चंडीगढ़ में अपनी सर्विस जो लगी थी उसकी खुशी में एंजॉय कर रहे थे, शराब पी के और गाड़ी चला रहे थे। रात के 2:30 बजे जिन से गाड़ी वो लाए, और ओल्ड गली गेट चौक है हरियाणा के, उसके पास एमएलए के पास, वहां जाकर उन्होंने गाड़ी को उसमें मारा, और दो तो एडिस खत्म हो गए, एक सीरियल में जाके खत्म हो गया। तो क्या आप बता सकते हैं उन्होंने जो डॉक्टर इंजीनियर जो भी पढ़ाई करी थी आपको काम आई? तो क्या ये जो है रोड की पढ़ाई है, ये एजुकेशन ये मस्ट है कि नहीं है ना? तो इस बातों को ध्यान में रखे अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने रोड क्रॉस करना तो कैसे करना। जब हम पैदल चलते हैं रोड पे तो कहाँ चलना चाहिए बताएगा? फुटपाथ से। फुटपाथ पर तो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पक्का फुटपाथ, एक होता है कच्चा फुटपाथ, है ना? आप तो चंडीगढ़ में पक्के फुटपाथ होंगे, कई कच्चे फुटपाथ थे, सड़क के बराबर ही कच्चे सड़क थी, समतल सड़क थी, तो उनको शोल्डर बोलते हैं सड़क के। तो क्या करते हैं कई लोग सुबह सैर करने जाते हैं, बड़े बड़े लोग, उनको पता नहीं होता सिंगल रोड पे, सिंगल रोड है, डबल रोड नहीं, सिंगल रोड पे जा रहे हैं, वो लेफ्ट साइड फुटपाथ पक्का है नहीं, वो कच्चे फुटपाथ पे कच्ची जगह पे चलते हैं, जो सड़क के किनारे पे चलना शुरू कर देते हैं सैर करने के लिए। हम क्या करेंगे भाग के दूसरी किनारे कच्चे में चले जाएंगे, पर इधर तो हमारा बदलने का कोई चांस नहीं है, इधर हमारे 100% बदलने का चांस है। और इधर जो अगर हम इधर चले पीछे से कोई गाड़ी आ गई तो क्या है, हैप्पी बर्थडे हो सकता है। तो ये था, अगर पक्का फुटपाथ है तो हम कौन सी साइड चले, अगर सिंगल रोड है सबसे फुटपाथ है तो कौन सी साइड चले। दादा दादी या पापा जाते हैं, मम्मी पापा, तो उनको कीजिए रात के वक्त अगर अंधेरे में जाते हैं घूमने के लिए तो व्हाइट या लाइट कलर का कपड़ा पहन के जाएं, कि रोड पे लाइट नहीं है, गाड़ी में लाइट नहीं है, तो व्हाइट कपड़ा जीन होगा तो विजिबल है, दिखाई देता है कोई आदमी जा रहा है ना। एक बार मेरे साथ तो हुआ कि काली पैंट पहनी थी, एक आगे जा रहा घूमने, इधर मैं ट्रैफिक लाइट की तरफ आ रहा था, 5 बजे का टाइम था, घूमने जा रहा, और उसकी मेरे को व्हाइट जुराब दी थी, काली की तरफ थी, उसकी दिखाई दे रहा व्हाइट व्हाइट जुराब दी थी, जब नजदीक आया लेके आया, और वो लेके दूसरे किनारे पे खड़ा हो गया, और उधर गाड़ियों को देख
करा कि गाड़ी उन्होंने आ गई। जब गाड़ी देखने के बाद उन्होंने फिर उन्होंने सड़क क्रॉस किया। मैंने पूछा बच्चे आप, कहता सर मैं ट्रैफिक पार्क में आया था, आपने हमको बताया था रोड कैसे क्रॉस। तो कितनी खुशी हुई बच्चे ने उस चीज को अपना रखा कुछ नहीं हुआ। तो ये बातें आप ऐसा ना आपके सिर के ऊपर से निकल जाए, इनको आप समझेंगे ना है। तो बच्चों यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि एक कलाकार ने तीन मूर्तियां बनाई मिट्टी की और उनको जब एग्जीबिशन में रखा मेले में तो उनको लोग पसंद करने लगे। एक जैसी मूर्तियां थी, यानी कि एक जैसा कलर किया था, एक की हाइट की थी, एक जैसी शक्ल थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी। तो उसे उसने कीमत रख दी उसकी अलग अलग। जो भी पूछने आता है मूर्ति कितने की है, बोला जी पहली मूर्ति 100 रुपए की, दूसरी 200 की, तीसरी 300 रुपए की। अरे तुम्हारे देखने में एक जैसी है, बोला एक ही मिट्टी की बनी है, एक ही अच्छी है, यूजफुल है। तो उसको इसको बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी, उसको गांठ बांध के पेट में रख लेती है और मौका पड़ने पर लोगों को एक्सप्लेन करती है, बताती है। तो इसलिए आप कौन सी प्रकार की मूर्ति बनना पसंद करेंगे? हर्ड पक्का प्रॉमिस है? तो ये बातें आपने मम्मी पापा को अपने को बतानी है जो हमने बताई। मोटी मोटी बातें हैं, जैसे आपको पता था कि भी नशा करके गाड़ी चलाई चलानी चाहिए, ड्राइव के दौरान हमको का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें और गलत भी जो है हेलमेट का प्रयोग करें और स्पीड गाड़ी ना चलाएं और ओवरलोड ना चलाएं। कई क्या करते हैं, आपने देखा आपके साइकिल पे कहीं जो है बड़े बड़े सिलेंडर ले जाते हैं, स्कूटर पे सिलेंडर ले जा रहे हैं, फोल्डिंग पैड ले जा रहे हैं, टीवी ले जा रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? लोडिंग ऑफ सामान लोड करने वाले व्हीकल में जाना चाहिए और सवारी वाले व्हीकल में सवारी जानी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं चार लाइनें आपको बताता हूँ। जिसका काम उसी को साधे अपने पर इल्जाम ना लो, साइकिल और स्कूटर से तुम देखो ट्रक का काम ना लो। जिस गाड़ी की जितनी क्षमता उतना हिट हो सकती है, आप बताएं क्या नैनो कार में भैंस लोड हो सकती है? नहीं ना? तो आपने ऐसी लोडिंग नहीं करनी है। तो अब मैं आपको लास्ट में बच्चों, अब मैं मैडम उमा महाजन जी से रिक्वेस्ट करूंगा और उससे पहले दो लाइन बोलूंगा कि जो जिंदगी है 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मिलती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है ना। तो इसके ऊपर दो लाइनें कहता हूँ कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, इसको सस्ते में ना लुटा देना, खुदा का ये हसीन तोहफा है, इसको रस्ते में ना लुटा देना। थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, ध्यान से सुनिए। आपसे निकल पूछ
एक बार कॉल आ गया था, पता नहीं ये वर्क है नहीं। अगर एक नीचे गिर गया तो कितने रह गए? ऐसे नहीं, हाथ खड़ा कर। शाबाश, जोरदार ताली। आप घर में शोर डालते हो? फिर शोर तो बहुत ऊंचा होता है, तालियों के आवाज क्यों नहीं है? फाइव कप्स रह गए। बिकॉज जब आप किसी को सुनते हो, आप इतना ध्यान से सुनो कि अगर आपके लिए एक रिडल वर्ड यूज किया गया है कि आपसे पहेली, तो वो माइनस की पहेली नहीं होगी, सिंपल माइनस की। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि वो 60 में से 1 माइनस किया, 59 नहीं, वो नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ ट्रिकी है, ठीक है? शी इज वेरी राइट। मैंने बोला था कि एक टेबल पर 60 कप्स हैं, ये 60 कप्स हैं। आप जब उस समझ आई ना, ठीक है, 60 कप्स हैं, उसमें से एक गिर गया तो कितने रह गए? 5। चलिए आप इसमें फेल हो, है ना। चलिए एक और चुटकी हो। एक पेड़ पर 10 चिड़िया है। आज आपकी काउंटिंग देख रही हूँ, काउंटिंग आती है कि नहीं? एक पेड़ पर 10 चिड़िया है, एक शिकारी आया, उसने गोली लगाई पेड़ के ऊपर और एक चिड़िया मर गई, कितनी रह गई? वहां पेड़ पर कितनी चिड़िया है? आप बताइए। शाबाश, जोरदार ताली। गोली की आवाज सुनने से पक्षी उड़ जाते हैं, तो उस पेड़ के ऊपर कोई भी चिड़िया नहीं रह गई। इसका मतलब पता चला कि मैंने आपकी रिडल्स क्यों पूछी? मैं आपकी नॉलेज टेस्ट कर रही थी कि आप कोई बात समझने के कैपेबल हैं कि नहीं, और मैंने ये पाया कि आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो इंटेलिजेंट होने के लिए आप कितनी जोर से तालियां लगाएंगे? अब पता चला ना कि बच्चे बैठे हुए हैं। आज जब मैं घर से आ रही थी तो सड़क पर मेरी कार के आगे बिल्कुल एक डॉगी आ गया, कार के नीचे नहीं आया, तो वो एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी और डॉगी उठ के चला गया। कैन एनीवन टेल मी कि ऐसा क्यों हुआ? कि डॉगी जो है वो वहां बैठा ही क्यों नहीं रहा कि कोई भी कार आया और उसके ऊपर सो के चली जाए? शाबाश, जोरदार तालियां। कोई भी मरना नहीं चाहता। तो अगर बेटा जानवरों में इतनी सेंस है कि उनको पता है कि कार आ गई है और मुझे आगे नहीं बैठे रहना, मुझे उठकर जाना है, तो हम क्या है? हम इंसान है। भगवान की सबसे अच्छी और इंटेलिजेंट क्रिएशन है हम, हमें दिमाग है। हम कहते हैं वैसे तो हम जानवरों को डफर्स कहते हैं, वो डफर्स है, लेकिन देखो उनमें कितनी सेंस होती है। सिर्फ वो बोल नहीं सकते, अदरवाइज वो सब कुछ समझते हैं, और हम तो सब कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इतना बड़ा दिमाग है हमारा। तो आगे आते हैं लाइट के ऊपर। चलिए पहले बच्चों की बात करते हैं। दो लाइनें मैंने कहीं सुनी थी, बच्चों के छोटे हाथों में चांद सितारे रहने दो। ध्यान से सुनना, आपसे इनका मीनिंग पूछूंगी। बच्चों के छोटे हाथों में चांद सितारे रहने दो, चार किताबें पढ़कर वो भी कम जैसे हो जाएंगे। इसका क्या मतलब? जितना आपको समझ आया, अभी तो आपने अपने इंटेलिजेंट होने के लिए कितनी बड़ी सारी तालियां लगाई थी। इसका मतलब ये है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, मासूम होते हैं ना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ इतनी समझ नहीं होती, इसलिए उनकी मासूमियत जो है हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे लगा कि आप सिर्फ मासूम नहीं हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और समझदार भी हो। अच्छा बताइए, आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं?